नमस्कार अर्गस अपडेट सहित तो अपूर्व प्रथम हेडलाइंस ओएसएससी सदस्यों पीएसं साढ़े तीन कोटी संपत्ति ठाब घटना सरकार उपरे बरसिला बीजेपी युव मोर्चा सरकार युवक युवती को देखते धोखा विरंती छोट माछ हेले भाकुर किए संविधान प्रणेता आंबेडकर को असम्मान घटनारे बरसिला बीजेपी कहला शासक दल छत्र छायार अभियुक्त अभियोग पर भी होनी कार्यानुष्ठान दुर्नीति विरोध में स्वर उठाइबारु गुंडागिरी देखाउछन्ती शासक दल समर्थक आज आसिब राज्य सरकार कोरोना गाइडलाइन अपराह्न में घोषणा करेंगे एसआरसी अगस्त मासरे संपूर्ण अनलॉक न हो पारे ओडिशा कोरोना स्थिति देखि डीएमईटी आकलन आईपीएस प्रवेश नर्सों प्रधानमंत्री आलोचना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 144 ट्रेनिंग आईपीएस ऑफिसर को मोदी मंत्र आईन कानून माध्यम अपराधी लड़ा परामर्श सबुज शक्ति को प्रधानमंत्री मोदी प्राथमिकता राज्य में सिंगल विंडो क्लीयरांस तीन सबुज शक्ति प्रकल्प को अनुमोदन 1084 लोकों मिल निजुक्ति तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ओडिशा को मिला लाभ स्मार्ट सिटी परे सिल्वर सिटी रे चिंता बढ़ाला डेंगू कटक सहर से 8 डेंगू रोगी चिन्हट आक्रांत होती कंटाक्ट ट्रेसिंग डेंगू सचेतन करने ट्विन सिटी रे महानगर निगम सचेतनता कार्यक्रम भुवनेश्वर में 100% टीकाकरण संपन्न बीएमसी अतिरिक्त कमिशनर कहले मोट 9,07,000 लोकों दुई डोज टीका देवा थिला टार्गेट गतकाली सुधा दिया सरी 18,35,000 डोज वैक्सीन गत तीन मास रे राज्य को कम सार मिलिथिबा नै केन्द्र सार और रसायन मंत्री को मुख्यमंत्री चिठी केन्द्र तथ्य ओडिशा उपलब्ध अच्छे पर्याप्त सार राज्य में चली सारर कलाबजारी रास्तार चाषी प्रतिवाद जोर एवं यूपीएससी आईएएस एवं आईएएस परीक्षा में ओडिया छात्र प्रभात दास सफलता ट्वीट कर शुभेच्छा जनइले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान प्रभात सफलता ओडिशार युवपीढ़ी को प्रेरणा जोगाइबो बोली कहले धर्मेन्द्र ओएसएससी सदस्यों पीएस साढ़े तीन कोटी संपत्ति ठाब घटना सरकार उपरे बरसिला बीजेपी युव मोर्चा सरकार युवक युवती को धोखा देथिबार अभियोग आनी भारतीय जनता पार्टी टंका छात्र छात्री भविष्य सहित तो खेली सरकार निजुक्ति विज्ञापन दे चाकरी आशायी सहित तो खेली तेरे विरंची छोट माछ हेले भाकुर किए यह प्रश्न उठाई बीजेपी निजुक्ति प्रक्रिया रे बार बार अनियमित हवा कथा आम आगु कही आसुचु एवं तार सत्यासत्य चित्र काली बीरंजी नारायण साहू को घर संपत्ति ठाब हेबा परे ताहा स्पष्ट हो जाइछि भात हांडी गोटे भात चिपिला परे जमिति जना परे से भली भाबरे ओडिशा सरकार को भली भाबरे युवक मानंकर चाकरी क्षेत्र को नहीं अवहेला करुछंती किभरी भाबरे पैसार कारबार चलीछि से विषय रे आपात स्पष्ट हो जाइछि आमे ओडिशा सरकार को प्रश्न पचारुछु जे केवल बीरंजी नारायण साहू गोटे छोट माछ गोटे महुराली तार भाकुर किए ओडिशा सरकार युवक मानंकु धोखा देछंती युवक मानंकर चाकरी पाइबा क्षेत्र रे पातर अंतनीति अवलंबन करिसंती शिक्षागत योग्यता आ मापदंड होई रही नाही आर्थिक योग्यता मापदंड होई रही चाकरी क्षेत्र लांच नवा जो कारोबार चलेछंती आज एही भावरे ओडिशा जानुथिबे बहुत युवक दादन खटिबाक जाइछंती एवं ता सहित सबु जगह रे
बेरोजगार रो कथा उठी सहित आम कहूँ जो 5G कथा कहते केते स्वच्छ तार प्रमाण हो जाए जदि एभली कारबार चली ताहले ए चेर तृतीय महला पर्यंत 5G पर्यंत सचिव पर्यंत ए चेर लंबी आमर दाबी रही जे ए प्रक्रिया रो ठीक से तदंत हो ए प्रक्रिया को सीबीआई तदंत करू किंबा जुडिशियरी तदंत हो ताहले स्पष्ट हो जीव। संविधान प्रणेता आंबेडकर को असम्मान घटनारे बरसिला बीजेपी कार्यानुष्ठान केबे बोली प्रश्न करिछि दल। जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा जिले में दलित वर्गर लोकमानक उपर आक्रमण होउछि। ए आक्रमण करुथवा लोकमाने शासक दलर समर्थक तेणु ए संपर्क में पुलिस निकट में इतला देला पर भी कार्यानुष्ठान हेने। मनरेगा दुर्नीति विरोध में धारणा देइथिबा रीना कांडी और किछि दलित वर्गर लोकंकु गत 27 तारीख राति 2टा स्थानीय सरपंचक पुओ मिट्टू बारिक मारधर करिबा सह अश्राव्य भाषा रे गाळी गुलज करिछन्ते। एपरिक आंबेडकर फटो को तले पकाई दली मकची एने पुलिस निकट में इतला दिजा पर पुलिस कार्यानुष्ठान नेउना। केन्द्रापड़ा जिले में मनरेगा दुर्नीति प्रसंग सामना को आणवु से आक्रमण अकथित निर्यातना दि जाए जो दलित परिवार को निर्यातना दि जाता से भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा पक्षर आंदोलन और धारणा भी दिगला मात्र एसपी से दिगरे कार्यानुष्ठान नेउना। घटना को 30 दिन बीती जाते भी पुलिस कार्यानुष्ठान नेउनी जहाक नहीं बर्षि भारतीय जनता पार्टी। आम गलाकाली आमर राज्य अनुसूचित जाति मोर्चार एक टीम आम जगत सिंहपुर नाउगाम ब्लॉक आगे से धारणा दे महिला माने पुरुष माने गला 27 तारीख दिन एक बर्बरोचित आक्रमण से मानपर एवं आक्रमणकारी होती से जड़े सरपंच अच्छा तनुलता बारिक तांको पुओ मिट्टू बारिक एवं तांकर अन्य सहयोगी माने गला 27 तारीख राति 2टा बेले ये जो मैंने धारणा स्थल बसी दलित महिला एवं पुरुष माने से माने अतर्कित भावरे तांको आक्रमण कले मारणास्त्र को लेकरी एवं तांको टणाउटरा करिचंती अकथनीय अश्राव्य भाषा गाली गुलज करिचंती ता सहित सबुठु दुख परितापर कथा आमर संविधान प्रणेता एवं भारतवर्षर महान जननायक भारत रत्न डॉक्टर बी आर आंबेडकर जो फटो थिला ताकु से माने फिंगा फुकड़ा करिचंती दली मक्ची देइचंती। ई अवस्था थिला बेले सेठी रीना कांडी बोली जणे सेई महिलांक भितरु ई आसामी मानक विरुद्ध रे एतला देइचंती एतला दे सारे देते केस होते ये आशायी मैंने गिरफ होना ये विजु जनता दल शासन नवीन पटनायक नेतृत्व में जहाँ चली सरकार हूँ एक दलित विरोधी सरकार एवं ओडिशार पुलिस ये हूँ विजु जनता दल कर्मी भाव काम करेणु विजु जनता दल स्थानीय विधायक मंत्री नेता से मानक चापा आगे ये पुलिस ऑफिसर निरपेक्षता परिवर्ते एवं आसामी मानक घंट घोड़ाई से पछौना तेणु यही एक अवस्था वर्तमान ये एक संवेदनशील घटना समग्र ओडिशा रे आज दलित माने जत असुरक्षित होती समय आम जो सांबादिक सम्मेलन करुचु आम आपण मानु साज्य भिक्षा करुचु आशा करुचु यही प्रकार एक घटना को आपण माने अंततः लोकलोचन को निश्चित भाव आणवे तेणु गणतांत्रिक व्यवस्था रे ये सरकार ये प्रशासनिक कोल को एवं पुलिस की जो भली भाव निरपेक्षता आधार रे कार्य करिवार सुजोग दबा कथा दौने सरकारी कोलर चाप एवं शासक दलर नेता विधायक मंत्री मानकर चाप बागरे ये पुलिस प्रशासन मुंड नुआई के अछि एवं आज आसामी माने से माने निर्विवाद रे आज केवल विचरण करू नहंती से माने
ମଧ୍ୟ ମସୁଧା କରୁଛନ୍ତି, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ସାନି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଜିର ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ। अच्छा प्रति खबर को आईपीएस प्रोबेशनर्स मान सहित आलोचना कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी रे आईपीएस प्रोबेशनर्स को वीडियो माध्यम रे आलोचना करिछंति प्रधानमंत्री। 144 जन ट्रेनिंग आईपीएस अफिसर को प्रधानमंत्री देइछंति मंत्र। पुलिस रे महिलांक भागीदारी बढ़ुथबा प्रधानमंत्री कहिछंति। यूपी रु अरुणाचल और बिहार रु केरल आईपीएस सहित आलोचना करिछंति प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री तालीम प्राप्त आईपीएस अधिकारी को अनेक प्रश्न पचारिथिले एवं सेमानक थरु परामर्श लोडिथिले। प्रधानमंत्री तालीम प्राप्त आईपीएस अधिकारी मानकु कहिछंति जे आपनकर युव नेतृत्व देश को आगु को नपो। अभिनंदन करती हूं और अपना आभार व्यक्त करती हूं। रोहन जी, आप बंगलुरु के हैं, हिंदी भी काफी सीख ली हैं और एक लॉ ग्रेजुएट भी हैं। आपने पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस को भी अध्ययन किया है। इस ज्ञान का आप आज की पुलिस व्यवस्था में क्या रोल देखते हैं? श्रीमान, मैं जब ट्रेनिंग में ज्वाइन किया था उस टाइम पे ही मैं हिंदी सीखा है, तो मैं इसके लिए बहुत ट्रेनिंग के लिए आभारी हूँ। हम अक्सर पुलिस एकेडमी में मुश्किल फिजिकल ट्रेनिंग के बारे में सुना करते हैं, आपको जो ट्रेनिंग मिली आपको क्या लगता है? क्योंकि आपने अपने पिताजी को देखा है, जिंदगी पूरी आपकी ये पुलिस बेड़े के बीच में ही बीती है, लेकिन आप स्वयं खुद इस ट्रेनिंग में आए, तो आपको क्या फील हो रहा है? मन में एक संतोष हो रहा है? आपके पिताजी ने जो आपसे अपेक्षाएं की होगी उसको पूरा करने के लिए क्षमताएं आपकी दिखती होगी, और आप पिताजी कंपैरिजन करते होंगे कि उनके जमाने में ट्रेनिंग कैसी होती थी, आपके जमाने में कैसी होती है, तो आपके दोनों के बीच में थोड़ी भिड़ंत भी होती होगी। सर, मेरे पिताजी मेरा रोल मॉडल भी है और उन्होंने कर्नाटक पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में ज्वाइन किए थे और 37 साल के बाद वो एसपी के रैंक में रिटायर भी हो चुका है। सर, समझे का ब्रेक रहा। ब्रेकफास्ट स्वागत। आंध्रप्रदेश गुंटूर में 6 जन ओडिया दादन पोड़ी हुई मृत्यु घटना। आज गुणपुर विधायक रघुनाथ गमांग घटनास्थल को गस्त कर सेठाकर प्रशासन और उच्चपदस्थ पुलिस अधिकारी सहित आलोचना करिछन्ते। मिलिथिबा सूचना अनुसार श्रमिक माने सोइथिबा घरे ब्लीचिंग पाउडर और केमिकल थिला। मशा धूप भी सेमाने लगाइथिले, तबे मशा धूपरु निया लागिला ना विद्युत सर्ट सर्किट जो अग्निकाण्ड घटी ता वर्तमान बड़ प्रश्न। साइंटिफिक टीम तदंत करुथबा बेले उक्त कंपनीर मालिक और मैनेजर को पुलिस अटक रखी अधिक पचराउचरा करुथबा सूचना मिलिछे। घटना पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक मृत श्रमिकों परिवार को 2 लाख टंका लेखाएं सहायता घोषणा करिछन्ति। मृतकों मध्य गुणपुर अंचल 5 जन और गजपतिरु जणे श्रमिक थिले। डेंगू सचेतनता कार्यक्रम होता बेले राजधानी उपकंठ में डेंगू आतंक देखाई। जटणी अंचल 2 जन डेंगू रोगी चिन्हट होता गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र तरफ दि जाएगी सूचना। अनेपटे कोरापुट जिला बंधुगां ब्लक में डेंगू और मलेरिया ज्वर को नहीं परिस्थिति बड़ जटिल हो। ब्लक्र बड़ सरपोली और सान सरपोली गाँव में पखापाखि 300 घर मध्य प्राय 40 घर जड़े कि 2 जन लेखाएं डेंगू और मलेरिया रोग में आक्रांत होता जमापड़े। आज अगस्त मास घोषणा हेबो गाइडलाइन, तबे वर्तमान संपूर्ण अनलॉक हेबनी ओडिशा। कटक भुवनेश्वर में कोरोना स्थिति स्थिर रही है। आगरु 500 उपरे रहुतला पॉजिटिव संख्या जो संख्या एवं 400 रे सीमित रहुचे। तेणु संपूर्ण अनलॉक हेबनी राज्य बोली कहिसेंति डीएमईटी सीबीके महांती। अनेपटे केस लोड कमिनी क्षमा करिवे कमिछि, वर्तमान आम अनलॉक ट्रैक रे थिबा कहिसेंति स्वास्थ्य विशेषज्ञ नीरज मिश्र। तेबे मॉल खोलिबा पूर्वरु डबल डोज नेइथिबा लोकंकु प्रवेश अनुमति दिया जाउ, सेपरि मॉल भितरे फूड कोर्ट बंद रखा जाउ, सेबडे नाइट कर्फ्यू बलवत्तर रहिबा दरकार, दुकान बाजार 5टा पर्यंत खोलिबा अनुमति जारी रहु, जीवन जीविका को दृष्टि रखि सप्ताहांत शटडाउन को उठाई दिया जाउ बोली कहिसेंति स्वास्थ्य विशेषज्ञ नीरज मिश्र। कटक भुवनेश्वर पई सरकार को 3-4 दिग उपरे अधिक गुरुत्व देबाकु से कहिसेंति। जोटी अति परिमाणे कमी गलानी आउ किछि कोळ होई परे
सेटा प्रेडिक्शन किंतु सरकार तो माने एटा तो टीम डिसीजन तेणु कोल हो पारे जो बढ़ी अधिकार रही सेमती मेन्टेन कर सामान्य कोहल कर दिपे आई स्ट्रिक्ट कर दिपे से डिपेड कर सिचुएसन अन् दैट डे जो दिन कि डिसीजन निया से दिन डिपेड कर कोरोना संक्रमण और अनलॉक को नहीं डीएमईटी विजय महापात्र प्रतिक्रिया आज संध्या अगस्त मास गाइडलाइन आसिबो सबु दिगको विचार करी निष्पत्ति नेबे राज्य सरकार जेउठी अधिक संक्रमित चिन्हट होउछन्ती सेठी सर्विलांस को अधिक त्वरान्वित कराचिबो जदिओ कटक भुवनेश्वर केस बढ़ी नाही किंतु प्रत्येक दिन तल उपर होउछे संक्रमण संख्या तेणु आमको सतर्क हो रहा पड़ो बोली कहिसेंती स्वास्थ्य निर्देशक विजय महापात्र कटक खोर्धा और जगतसिंहपुर भली जिले में अधिक रहउछे संक्रमण केरल रे संक्रमण संख्या बढ़िबा आम पई सतर्क घंटे प्रति पांडेमिक रे लहर आसे मात्र एही पांडेमिक रे म्यूटांट हेउथबारु लहर प्रभाव जेते कम पड़िबा कथा सेते हेउनी बोली विजय महापात्र कहिछन्ते सबडे राज्य रे पूर्णी 68 जीवन नेछि महामारी कोरोना अनुगुल जिल्लार सर्वाधिक 8 जनकर मृत्यु होइछे या सहित गत 24 घंटा मध्य राज्य में 1578 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती एम 915 जन संगरोध केन्द्र चिन्हट होता बेले स्थानीय संक्रमण 663 जन पॉजिटिव चिन्हट होती आज खोर्धा जिलूर सर्वाधिक 436 जन आक्रांत रही सेपरी अनुगुल और कटकु 212 जगत सिंहपुर 113 बालेश्वर 78 सुंदरगढ़ 29 और स्टेट पुल्रु 92 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती राज्य में वर्तमान 977268 जन पॉजिटिव चिन्हट होती सेपरी 954929 जन सुस्थ होते एवं भी राज्य में 16384 जन सक्रिय संक्रमित रही परवर्ती खबर आसी पहुंचुची नवरंगपुर नवरंगपुर जिला नंदाहांडी ब्लॉक अंटासर गाँव में भालु आतंक एक निर्माणाधीन घर भितर पशिंटी तीनोटी भालु माँ भालु सहित दुईट छुआ भालु रही बेले लोके आतंकित तो हो पड़ते रास्ता कड़े घर टी रास्ता दे लोकों जातायात रही खबर पाई घटनास्थल में वन विभाग कर्मचारी पहुंच अनुधान कर गाँ निकट जंगल या बेले सबुले भालु मान चलप्रचल हुए भालु मान घोड़ाइबा वन विभाग चेष्टा जारी रखी राति तीन सेटरिंग कोड़ाई नहीं स्लाप पड़ जाए अलरेडी से राति राति तीनटा भालु से रही जाती राति आसकर बोले मेन रोड रे घर अच्छे जेहेतु लोक मैंने पूरा भयभीत अवस्था अच्छा सका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हेल्पलाइन को कॉल कराई बर्तमान एवं दिन बारटा पर आसे घोड़ाइवा लोक से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोक ट्राए कर रात अंटासर गाँव मेन छक गोटे भालु तार दुटा छुआ सहित आसिक रही जाए आउ गाँव समस्त भयभीत अच्छा चल प्रचल कर रास्ता देखिए मेन छक हो लोक से लोक गहली रोचे से जगह छोट पिला भालू देखी बोली पलि जा पाक को आई गाँव सब आतंकित होती तो भालू तीनोटी गाँ रास्त अच्छा एक अधा तैयारी घरे पशिंट जार चित्र सामना को आसी नंदाहांडी ब्लॉक नवरंगपुर जिलार नंदाहांडी ब्लॉक अंटासर गाँव में ए भालु आतंक देखादी तीनोटी भालु फसिंट निर्माणाधीन घरे एपर्यंत वन विभाग पहुंच अनुधान आरंभ कर घोड़ाइबा प्रयास आरंभ कर लोके आतंकित तो अच्छा जेहेतु से ही रास्ता दे गाँ लोकों जातायात तो जारी रही है तेणु भालु तीनोटी से घरे पशि रही बेले निर्माणाधीन घर तेणु जेको मुहूर्त लोकं आक्रमण करती गत काली राति भालु तीनोटी सेठे अच्छा सेपटे वन विभाग पहुंची किभली भाव भालु तीनोटी को सेठ उधार कर जंगल को निजी जंगल को घोड़ाजी से नहीं प्रयास जारी रही है नंदाहांडी ब्लॉक अंटासर गाँव आसूरी चित्र नवरंगपुर ब्लॉक रु क्षमा कर नवरंगपुर जिलूर माँ भालु सहित तो दुईट छुआ भालु रही बेले लोकों भितर भयर वातावरण रही तो भालु देखा पर गाँ लोके आतंकित एने वन विभाग को खबर दि जाए वन विभाग पहुंची भालु तीनोटी को किभली घोड़ाजी से ने प्रयास आरंभ कर नवरंगपुर जिला नंदाहांडी ब्लॉक आसूरी एक चित्र नंदाहांडी ब्लॉक अंटासर गाँव में भालु को नहीं आतंक खेली जाइए सुमित घंट आम प्रतिनिधि फोनलाइन अच्छा अधिक सूचना सुमित
भालुंकु घोडा जीवा पई वर्तमान पर्यंत वन विभाग तरफरु कोन प्रयास करा जाउछि? देखो बर्तमान जो भालू जो निर्माणाधीन घरे जो तीनोटी भालू अच्छी आपने भाव में जो अंचल बासिंदा बेस भयभीत अच्छा ग्रामवासी वर्तमान सुधा से गोटे अनुरोध रही वन विभाग को अनुरोध करता शीघ्र भालू को से घोड़ा जाऊ एवं वर्तमान सुधा जो वन विभाग तार प्रयास आरंभ कर कहीं भालू को आयत करने को कष्टर हो पड़ी जेहेतु की गहली जोर धरी रही गहली सेठार रही जेहेतु की वन विभाग भालू तीन भालू को काबू करने सक्षम हो पार ना अंपटे गोटे गोटे भयभीत अच्छा जे कोहला अवस्था रे भालू को वन विभाग घोड़े एवं लोके जो आतंकित अच्छा से मैंने किसी ना कि जो आतंकी आतंक जो मुकुड़े बोले से वन विभाग को गोटे अनुरोध कर ग्रामवासी अपूर्व पूर्व कहु संपृक्त ग्राम से भालू आतंक देखा जाता देखो अपूर्व जदि जदि कह नंदवाणी ब्लॉक नवरंगपुर रही जो नंदवाणी ब्लॉक अच्छी नंदवाणी ब्लॉक रे बहुत थर एभली भालू केत जो कार बाड़ रे आसिकी रोचे केत रास्ता रे आसिक रोचे खाद्य अन्वेषण करने विभिन्न जगार भालू चली आसुचंती घटना नवरंगपुर जिले में प्रथम थर ये घटना बारंबार नवरंगपुर जिले में देखा जाए घटना किंतु कौटि ना कौटि वन विभाग उपर गोटे प्रश्नवाची सृष्टि होती कहीं भालू जेते भालू ये जो ग्राम आते तार बाड़ आसिक रोचे तथापि वन विभाग से किसी वन विभाग गोटे प्रश्नवाची सृष्टि होती कहीं किटा सचेतनमूलक कार्यक्रम करना किए भाव में ये जो भालू को लेकिन जंगल में छड़ा जाऊना ताक सब गोटे प्रश्नवाची सृष्टि बहुत बहुत धन्यवाद सुमित घंट आम नवरंगपुर प्रतिनिधि एने अपडेट देते घटनास्थल वन विभाग कर्मचारी पहुंची भालू तीनोटी को किभली भाव से घर निर्माणाधीन घर बाहर कर जंगल मध्य को घोड़ा जीव से नहीं प्रयास जारी रही। राज्य में सिंगल विंडो क्लीयरांस कमिटी 2083.88 कोटी टंकार पुंजनिवेश को मिली अनुमोदन जहाँ मध्य रही तीनोटी सबुज शक्ति प्रकल्प देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबुबले सबुज शक्ति उपर गुरुत्व दे आसुथिबारु एहा संभव हो पारिछे। तत्कालीन केन्द्र पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को जोगो ओडिशावासी को मिलवाक जाउछि लाभ फलस्वरूप इंडियन ऑयल पक्षर बालेश्वर भागलपुर इंडस्ट्रियल इस्टेट 870 कोटी निवेश एथनल प्लांट जहाँ उत्पादन क्षमता दैनिक 550 किलो लिटर सेपरी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पक्षर नवरंगपुर उमरकोट में 500 कोटी निवेश 500 किलोलीटर एथनल प्लांट प्रतिष्ठा हो सेपटे अनुगुल जिलार बंतलारे न्यू वर्ल्ड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड पक्षर 125 कोटी निवेश एथनल प्लांट और कंप्रेस बायोगैस प्लांट प्रतिष्ठा कर ए तीनोट प्लांट में 1084 लोक मिल निजुक्ति देश में रिन्यूएबल एनर्जी उपर सब गुरुत्व दे आसुचार प्रधानमंत्री परिणाम स्वरूप देशर राष्ट्रायत्त उद्योग सह अनेक घरोई कंपनी पुंजी निवेश में आग्रह प्रकाश करिछन्ते। गत फेब्रुआरी रे नुआ दिल्ली रे देशरे प्रथम करी सीएनजी रे चलुथवा ट्रैक्टर उद्घाटन करिथिले केन्द्र सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जहाँ कृषकों आत्मनिर्भर करने सहित 55% कम खर्च हो गडकरी कहते से केन्द्र पेट्रोलियम मंत्री कहते कृषक भाग्य परिवर्तन कला भली एहि उद्भावन सेपरी देश में सीएनजी रे चलुवा लक्ष लक्ष ऑटो द्वारा अनेक गरीब आत्मनिर्भर हो पारिछन्ते देश सारा सीएनजी टैंकर चेन सृष्टि हो पारिछे। भुवनेश्वर हला 100% टीकाकरण जुलाई शेष सुधा थिबा टार्गेट पूरण होइछे विभिन्न वर्ग में मोट 9,07,000 लोकंकु 2टी डोज हिसाब रे 18,14,000 डोज देबाकु रहितला लक्ष्य गतकाली सुधा 18,35,903 डोज टीका दिया जाई छे सेथिमध्यरु 10,69,753 जन प्रथम डोज नहीं सारी 7,76,150 जन उभय डोज टीका नहीं सारी तेरे भुवनेश्वर कोवैक्सीन टीका दि जाऊता बेले एठार टीकार अभाव ना वर्तमान समस्त टीका केन्द्र खुला रही है। भुवनेश्वर राजधानी होइथिबारु एठाकु दैनिक बाहर अनेक लोक आसती टीका पई काहाकु मना करा जाय पारिबो नाही भुवनेश्वरवासीको प्राथमिकता भित्तिरे टीका दिया जाइछे वर्तमान बाहर लोकंक मध्य टीका दिया जाउछि बोली सूचना दैछन्ति बीएमसी अतिरिक्त कमिश्नर लक्ष्मीकांत सेठी। पेज रे आमे चेष्टा करूछु सर्वभारतीय स्तर रे मुख्य स्थान को जीवा पई
ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଦୃତ ସହରରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଅଛୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ 94% ଆଦିବାସୀ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଏକ ବିଭିନ୍ନ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ରହୁଛି ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆସ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଥିଲା ଫର୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟିଂ ଅଲ୍ ଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ସେଥିରେ ଆମେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥିତି ହେଇଛୁ ଯିଏକି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍କୁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିଛୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ଫିଗରକୁ ନେବେ 1,60,000 ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଭିତରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି ନେଇସାରିଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ଡବଲ ଡୋଜ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ 800,000 ପାଖାପାଖି ନେଇଗଲେଣି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କରିବାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସମସ୍ତ ବାସୀ ଦେଇସାରିଲୁଣୁ ବାକି ରହିଲା ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ସହର ବହୁତ ପ୍ରକାରର ପର୍ଯ୍ୟଟନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଆସିବା ଯିବା ଚାଲି ରହିଛି ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଡବଲ ଡୋଜ୍ ଦେଇ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ 28 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ବି ସେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଦେଇ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡବଲ ଡୋଜ୍ ଦେଇକି ଫିଟ୍ କରାଇବୁ ଏବଂ କରୋନା ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଯାଇକି ତାକୁ ବାଜି ମାରିବୁ। ସମସ୍ତ ରହିଛି ବୁଲେଟିନ୍ କେଟ୍ ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।